किशन बुलाना चाहूंगी हमारे भाई भाई पीछे आ जाओ अंकल दुबे जी को और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उनसे कि वो स्टेज पे आए दो शब्द है स्टेज पे ही है थैंक यू इट स्टार्टेड द रिक्वेस्ट स्टार्टेड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय पब्लिशर इन दिल्ली पेंगुइन ये मुंबई में देयर इज दिस लिटरफेस्ट मुंबई हैपनिंग वहां पे First best published book of an author award हो रहा है for which we have sent your book. You can go and attend. और उसके बाद मैं आया लिटरफेस्ट और कभी लौटा ही नहीं तो अब 5 साल हो गए और खूब सारी बातें बोल दी गई हैं और मैं हमेशा खुद को इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने को उन्होंने जो काम शुरू किया अरे किशन किशन वो ये भड़क जाऊंगा ना शांत हो जाएंगे सब किशन आगे ले जाके कितना अंदर जा रहे लोग क्या आप जानते हैं किन किन रास्तों से गुजरकर
मैं आपकी दुनिया तक आई हूँ। मेरी जिज्ञासा से आप क्यों मायूस होते हैं, क्यों इतनी तकलीफ सहते हैं? मैं तो बस एक बची हुई लड़की की भागी हुई अंगड़ाई हूँ। मैं तो बस एक बची हुई लड़की की भागी हुई अंगड़ाई हूँ। आपकी दुनिया ये है, क्या बात है, यहाँ तो 1000 कमरों में 2000 खोखले इंसान रहते हैं। सब कहते हैं अरे भाई उसकी तो नियत भी खराब है। नियत तो दूर की बात, पहली बार आपके घर आई हूँ, एक गिलास पानी तो मांग लूं। मगर मालूम होता है कि यहाँ लोग एक दूसरे से नहीं गूगल से बात करते हैं। आप कहें तो चलो आंखें भी मूंद लूं, फिर आप पूछते हैं मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। अरे अरे आप तो लाजवाब हैं, सच में जानना चाहते हैं तो आइए बैठिए, आपको सुनाती हूँ एक बची हुई लड़की की भागी हुई अंगड़ाई के दिल का हाल। इस दुनिया में भटकते हुए यूं ही चलते चलते एक दिन एक आईने में अपनी तस्वीर नजर आई। उस तस्वीर में जिंदगी की दस्तूर नजर आई। होश में मैं अपनी परछाई से कोसों दूर नजर आई। एक नजर झुकी तो वह नादानी फिर से नजर आई। कहते हैं बड़े आराम से ढूंढो अपनी उस पहचान को, कहते हैं बड़े आराम से ढूंढो अपनी उस पहचान को, पर वो तो कोसों दूर रूठी हुई थी बैठी। मेरी गुस्ताखी को वो गुस्ताखी ना समझे, अब कैसे मना उसे जिसके बिना कोई मुझे ही ना समझे। तो फिर उस आईने में कैद अपनी तस्वीर से कहा मैंने कि तेरी परछाई से डर के चली गई मेरी परछाई। तूने मेरी उस चीज को भी डरा दिया, उसके साथ साथ मेरा वजूद भी मिटा दिया। उफ ये दास्तान तो चलती चली जा रही है, कैसे समझाऊं कि उस आईने में मेरा कितना नुकसान। उस आईने से बचती बचाती मैं एक लाइब्रेरी आ पहुंची। वहां मेरी मुलाकात एक किताब से हुई। पता चला कि वो मेरी जिंदगी की ही किताब है। और मैंने देखा कि मेरी जिंदगी की किताब में हजारों पंक्तियां मंडराती हैं। उन्हें यादों के छोटे से कटघरे में कैद रखकर उन्हें मैं इंसाफ कैसे दूं। उन पलों का समझौता मेरी सांसों से है। एक एक पल जो मैंने जिया पूरी ईमानदारी से अपने उन सांसों को कुर्बान किया। फिर क्यों, यादें बस इतनी सी पर जिंदगी इतनी गहरी सी। लेकिन कुछ एक डेढ़ पल मैंने ऐसे जिए मानो पूरी दास्तान ही हो उसमें बसी।